चेन्नई में भारत ने इतिहास रच दिया है। पांचवें टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 75 रन और एक पारी से हराकर शानदार जीत दर्ज की है और इसके साथ ही भारत ने सीरीज पर 4-0 से कब्जा जमा लिया है। इस शानदार जीत का दाज कप्तान विराट कोहली के सर सजा है। कोहली को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है जबकि 13 शतक जड़ने वाले करुण नायर मैन ऑफ द मैच बने हैं। मंगलवार को भारत ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 207 रनों पर समेट दिया। इंग्लैंड की इस पारी में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए। चेन्नई टेस्ट में जडेजा के नाम 10 विकेट रहे। यह पहला मौका है जब जडेजा ने किसी टेस्ट मैच में 10 विकेट हासिल किए हों। इससे पहले इस मैच में भारत ने अपनी पहली पारी 759 पर घोषित कर दी थी। इस पारी में भारत की ओर से करुण नायर ने नाबाद 303 रन बनाकर 13 शतक लगाया था। वहीं ओपनर केएल राहुल ने 199 रन बनाकर भारत की स्थिति को बेहद मजबूत कर दिया था। इंग्लैंड की टीम इस दौरे पर पहले टेस्ट मैच में ही कुछ दमखम दिखा पाई। इंग्लैंड ने पहली पारी में 477 रन बनाए थे। जवाबी पारी में भारत ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 759 रन के साथ 282 रन की बढ़त बना ली। वैसे टीम इंग्लैंड राजकोट टेस्ट के बाद से ही सभी टेस्ट मैचों में साधारण नजर आई, लेकिन ये सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम रही। इस सीरीज में टीम इंडिया ने कई इतिहास रचे हैं। इस सीरीज में करुण नायर ने 13 शतक और कप्तान विराट कोहली ने 235 रन बनाकर दोहरा शतक जमाया। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा 28 विकेट अपने नाम किए। भारत के लिए यह सीरीज इसलिए भी खास रही क्योंकि उसे इस सीरीज से दो नए खिलाड़ी मिले। जयंत यादव और करुण नायर ने इस सीरीज में अपना डेब्यू किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवा दिया। जयंत यादव ने कई अहम मौकों पर भारत के लिए 9वें नंबर पर बैटिंग कर अहम रन जुटाए और मुंबई में 9वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे जयंत ने शतक भी जड़ा था। वहीं अब विराट कोहली की है टीम 18 मैचों से अजय है। इसके साथ ही टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 पायदान पर काबिज है। तो टीम इंडिया के लिए आज का दिन काफी अहम है। भारतीय टीम ने दिखा दिया कि उनके सामने बड़े से बड़ा धुरंधर क्यों ना आ जाए, लेकिन हम किसी से कम नहीं और यही वजह है कि टीम इंडिया आज जश्न मना रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।